हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शकरकंद की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी चाट, और जिसको हम शकरकंद को उबालेंगे नहीं, कुकर में ही इसको भूनेंगे। तो किस तरह से भूनेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी से शकरकंद की चाट को। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये मैंने कुछ शकरकंद लिए हैं आधा किलो, और इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है, सारी मिट्टी इसकी जो है वो बिल्कुल निकाल ली है। और अब हम लेंगे एक कुकर, और इसके अंदर हमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ ऐसे ही धुली हुई शकरकंद को हम सब तरह से अच्छी तरह से इसको अरेंज कर देंगे कुकर के अंदर, ताकि नीचे सरफेस पे इसकी टच हो जाइए शकरकंद सारी अच्छी तरह से। तो सभी को हम इस तरह से इसके अंदर कर देंगे, लगा देते हैं अच्छी तरह से, और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। लेकिन लगाने से पहले इसकी जो रबड़ होती है उसको हम निकाल लेंगे, रबड़ नहीं लगाएंगे, बिना रबड़ के ही हम इसको लगाएंगे ढक्कन को। तो रबड़ मैंने हटा दी है, और इस तरह से मैंने कुकर को कर दिया है बंद, और अब हम इसको ऐसे ही पकाएंगे हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए, जब तक इसका जो शकरकंद का जो पानी है हमने धो के डाली है ना, वो थोड़ा सा सूख ना जाए, और जब तक इसमें थोड़ी सी प्रेशर ना आ जाए कुकर के अंदर, तब तक हम इसको, उसके बाद हम बिल्कुल सिम गैस कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं, मैंने बिल्कुल सिम कर दिया था गैस को, और अच्छे से हमारी शकरकंद जो है वो उबल गई है। चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए किस तरह से छिलका उतर गया है, और बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी शकरकंद जो है वो पक गई है, भुन गई है। तो इसको मैं आराम से निकाल के दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से छिलका जो है चिपक गया है इसका, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से भुनी हुई जैसे होती है ना, बिल्कुल वैसी ही हमारी शकरकंद जो है वो बनकर तैयार हुई है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ निकाल के। तो ये देखिए किस तरह से ब्राउन से स्पॉट्स आ गए इसके ऊपर, इस तरह से, तो बिल्कुल भुनी हुई हो गई है ये। तो अब इसको निकाल के हम अच्छी तरह से सारी शकरकंद को बिल्कुल छील लेंगे। तो ये देख रहे हैं किस तरह से लाल लाल निशान हो गया, ऐसे भुना हुआ आता है ना, और बिल्कुल टेक्सचर देखिए बिल्कुल परफेक्ट भुनी है, कहीं से कोई कच्ची नहीं है, ना ही ज़्यादा ओवर कुक हुई है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी शकरकंद उबल गई है, पक गई है। तो इसको हम छिलके को, इसको सारी को उतार लेते हैं, अच्छी तरह से इसको साफ कर लेते हैं। मेरी थोड़ी पतली शकरकंद थी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम कम लगा है इसमें, और हल्के हल्के से सपोर्ट इस पर आए हैं, लेकिन हमें इसमें पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के ये इतने अच्छे से भुन जाती हैं कुकर के अंदर। तो देखिए मैंने सारी शकरकंद को अच्छी तरह से छील लिया है, अब हम इसको थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। तो और सारी शकरकंद को हम इसको काट लेंगे। सारी शकरकंद जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई हैं। तो ये लीजिए, हमने सारी शकरकंद को इस तरह से काट लिया है, अब इसमें डालेंगे मसाला। तो ये देखिए भुनने की निशानी किस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से सारी शकरकंद जो है इसी तरह से भुनकर तैयार हुई हैं। तो चटपटा सा बनाने के लिए हम बनाएंगे इसमें काला नमक, और साथ ही डालेंगे इसमें खूब सारा चाट मसाला, अच्छे से चारों तरफ से स्प्रिंकल कर देते हैं, और भी चटपटा बनाएंगे नींबू के रस के साथ। तो अच्छे से चारों तरफ सारा नींबू अच्छी तरह से निचोड़ देते हैं इसके अंदर, और बिल्कुल चटपटी सी हमारी शकरकंद की चाट जो है बनकर तैयार हो गई। फोक से या नाइफ से इस तरह से सारे मसाले को हम सारी शकरकंद के साथ मिक्स कर लेते हैं, और अच्छे से तैयार हो जाएगी हमारी शकरकंद की चाट। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी शकरकंद की चाट बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।